जिसमें अनुमान किया है रेवेन्यू इनकम का 36,146 करोड़ का और खर्च का अनुमान किया है 63,146 करोड़ का अनुमान किया था इनकम का और 62,219 करोड़ का एक्सपेंडिचर का अनुमान किया है। तो इसमें रेवेन्यू सरप्लस दिखा सरप्लस का अनुमान था, लेकिन हमारा जो जो हमने आपको दिया है सर वो सीएजी का डेटा दिसंबर तक का, उसमें सरप्लस नहीं आ रहा है रेवेन्यू, कम से कम रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तुलना करें तो सरप्लस नहीं आ रहा है और सरप्लस बजट भी नहीं होने जा रहा है। बावजूद इसके सरकार अगर ये बोल रही है कि उन्होंने अभी तक कोई लोन नहीं दिया है, इट्स अ पजल विच वी कुड नॉट सोल्व, हम लोगों को समझ में नहीं आया। रेवेन्यू रिसीव के साथ और हमने कोशिश किया लेकिन वो बजट बनाने का समय चल रहा था तो वित्त विभाग में किसी ने हमें ज्यादा समय नहीं दिया। मतलब आज की तारीख आपकी टोटल बोरिंग हुई 1,03,000 के आसपास खड़ी है जो हां ऐसा एक लगा 1,03,000 से ज्यादा ऊपर नहीं गया, ऐसा मान सकते हैं अगर नहीं लिया तो 1,03,000 पर खड़ी होगी वो लिया नहीं है अगर तो अभी आए नहीं है लेकिन ये बोल रहे हैं। इसमें मैं बताऊं आपको इन्होंने जो हमको लगा इन्होंने किया जैसे जितना इन्होंने लोग खाया है जितना लोन उठाया गारंटी से उठाया लोन किसी और धारक वो आपका प्रोजेक्ट वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बजट बुक में। जो भी मुख्यमंत्री बीपीएल योजना का पैसा उठाया उसमें लोन तो वो उठाया जिला परिषद ने, जिला परिषद के आंकड़े आपके बजट में नहीं आएंगे लेकिन गारंटर है उसमें स्टेट कितना डिस्काउंट पर लोन उठाया लोन डिस्काउंट पर रहते हैं गारंटर है स्टेट आपके यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये दो तो ऐसे मत है की जो बिल्कुल पूरे मुझे मालूम है कि जो आपके यहाँ बजट के बुक में तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे गारंटर ही है सिर्फ उसमें स्टेट एक्चुअल बोरोवर तो वो सेक्टर है जो सेक्टर